सो व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन वेलकम बैक टू पार्ट एटीन ऑफ आर इंग्लिश डोमेन सीरीज ठीक है इससे पहले आपके सेवेंटीन पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इनमें हम क्या करते हैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करते हैं दैट आर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द टिपिकल टॉपिक्स दैट बिन गिवन इन योर सी टी सिलेबस ठीक है तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्यों क्योंकि आज हम फाइंडिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट करने वाले हैं मतलब क्या जो दी गई स्टेटमेंट है जो दी गया तथ्य है उसके लिए सबसे बेहतरीन सबसे एप्ट शब्द क्या होगा उसे पहचानेंगे ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना इफ यू थिंक शेयरबल देन प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स उनका भी भला हो जाएगा ठीक है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड ठीक है एक ऐसा इंसान जो ये बिलीव करे कि वॉर करना ठीक है और वायलेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर जुल्म ढाना जो होता है अनजस्टिफाइड होता है कोई रीजन नहीं होता है यार ये सब करने का ये ऐसा कौन है इसको कौन बोलते हैं महात्मा गांधी राइट बट महात्मा गांधी कौन थे महात्मा गांधी वोज अ पैसिफिस्ट ठीक है पैसिफिज्म में बिलीव करने वाले पैसिफिस्ट ठीक है पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है द वन हु इज एप्सोल्यूटली अगेंस्ट वॉर ठीक है दे आर अगेंस्ट वॉर ठीक है बाकी सब शब्दों का मतलब क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन अब न्यूट्रलाइजेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रल ठीक है और न्यूट्रल करने का मतलब इसे बेसिकली इफेक्ट इफ़ेक्ट लेस छोड़ देना ठीक है किसी भी चीज़ को अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं तो बेसिकली हमने क्या कर दिया उसको इफेक्ट लेस छोड़ दिया आप इसको साइंस के कॉन्टेक्स में भी क्या कर सकते हो देख सकते हो वेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर ठीक है इट इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट रिएक्शन ठीक है क्या होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें क्या बनता है सॉल्ट बनता है राइट तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन पैस पेसिमिज़म पेसिमिज़्म जो है वो उल्टा है ऑपोजिट है किसका ऑप्टिमिज्म का व्हेन यू आर ऑप्टिमिस्टिक आप क्या बोल हर करते हो हर चीज़ में होप ढूंढते हो ठीक है यू फाइंड होप इन एवरीथिंग ठीक है बट जब आप पेसीमिस्ट होते हो पैसेमिस्ट होने का मतलब आपको हर चीज़ में नेगेटिव ही दिखता है ठीक है आपको नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी बनी है आपके लिए आपको लगता है कि सारी की सारी जो बुरी चीज़ होने वाली है ना वो मेरे साथ ही होने वाली है मोर लाइक द मूवी हाउसफुल राइट अक्षय कुमार जिसमें क्या होते हैं ही वॉज नॉट अ पैसिमिस्ट टू से बट एक्चुअली में उनका आउटलुक तो वैसा ही हो जाएगा ना जब उनके साथ सब, सब कुछ गंदा ही होगा तो ठीक है का मतलब क्या होता है naturalization basically process होती है 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 होती ठीक ठीक जिसके एक country, किसी को को क्या करती है अपने यहां का सिटीजनशिप ग्रांट करती है ठीक है अपने का ग्रांट करती है तो दिस इज नोन एज ओके तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स ठीक है अब एक लड़की के लड, लड़कियों को लड़की नहीं बोल रही हूँ लड़कियों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे बेवी कहेंगे कॉवी कहेंगे ट्रोप कहेंगे या फिर कॉटरी कहेंगे चलिए एक एक करके इनका मतलब समझ लेते हैं ठीक है mm -hmm. कॉटरी कॉटरी को कुछ इस तरह से समझिए कि आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज ग्रुप ठीक है एक ऐसा ग्रुप जिसको लेके आप बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव है ठीक है यू डू नॉट वॉन्ट एनीबडी एल्स टू कम इनसाइड इसके अंदर दो आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप सारे कुकर्म करते हैं मतलब ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आप किसी के सामने शेयर भी नहीं कर सकते आपने जितनी शरारतें करी है और इन्हीं के साथ करी है तो बेसिकली आपके बड़े प्राइवेट ग्रुप को कॉटरी कहा जाता है ठीक है ट्रोप ट्रोप क्या होता है अ ग्रुप ऑफ एक्टर म्यूजिशियन सिंगर्स इन सब के ग्रुप को क्या कहा जाता है इनको ट्रोप कहा जाता है ठीक है बेसिकली जो परफॉर्मर्स होते हैं ना उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है ट्रोप कहा जाता है राइट फिर आता है आपका कॉवी कॉवि का मतलब बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जो कि बड़ा ना चहल पहल चहलकदमी करने वाला ग्रुप हो एक्साइटेड ग्रुप हो अब ये एक्साइटेड ग्रुप क्या हो सकता है बीस का हो सकता है बर्ड्स का हो सकता है बच्चों का हो सकता है ठीक है मतलब बड़े एक्साइटेड लोगों का ग्रुप बेसिकली इज नोन एज कॉबी बेवी इज़ अ ग्रुप ऑफ गर्ल ठीक है बेवी का मतलब क्या होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज और वुमेन ठीक है वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट नेक्स्ट कॉजिंग और एंडिंग एट डेथ एक ऐसी चीज जो हमेशा हमेशा किस चीज़ में एंड मतलब हमेशा किस चीज़ पर आके खत्म होती है मृत्यु पे आकर ठीक है जो चीज़ मृत्यु पे आके खत्म करे खत्म हो उसे हम क्या कहते हैं अब देखिए है. डेंजरस कहेंगे कोर्स अगर कोई चीज़ हमें मार रही है तो वो डेंजरस तो होगी ठीक है चलो मान लिया। अब सीरियस कोर्स सीरियस है यार तो ये भी ठीक है डेडली हाँ डेडली मतलब क्या मार सकती है फेटल फेटल जो शब्द है वो एग्जैक्टली exactly इस स्टेटमेंट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ठीक है वेन एवर यू कॉल समथिंग फेटल मतलब इट इज गोइंग टू एंड इन टू डेथ ठीक है चलिए अ शॉर्ट पोएम यहां पर लखनऊ नहीं होना चाहिए था ठीक है दिस इज अ टाइपो अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा ठीक है ड्रामा के ख़त्म होने के बाद अब देखो यार बड़ी सिंपल सी चीज़ है ठीक है ड्रामा के शुरू होने से पहले और ड्रामा के खत्म होने के बाद ना दोनों ही टाइम पर जो ग्रीक ड्रामेटिशियंस होते थे पहले के टाइम पे क्या करते थे ड्रामा ड्रामा को शुरू करने के लिए एक छोटी सी पोएम के साथ स्टार्ट करते थे यहां तक कि खत्म करने के बाद भी एक छोटी सी पोएम के साथ खत्म करते थे ज़रूरी नहीं है वो पोएम हो वो कोई छोटा सा स्पीच हो सकता है ठीक है तो बेसिकली शुरुआत में और एंडिंग में आप इंट्रो और एंड देते हुए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बोल रहे हो तो इंट्रो को तो हम क्या बोलते थे उसको हम प्रोलॉग बोलते थे क्या बोलते थे इंट्रो को प्रोलॉग बोलते थे डायलॉग मतलब क्या बेसिकली मतलब जो ड्रामे के बीच में जो आपके डायलॉग्स हैं जो आपके स्टेटमेंट्स उनको उनको डायलॉग कहा जाएगा ठीक है एपीलॉग का मतलब क्या होता था एपीलॉग मतलब वो छोटी सी पोयम जो कि ड्रामा के एंड में बोली जाती है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एपीलॉग मोनोलॉग का मतलब समझ लेते हैं मोनो का मतलब क्या होता है मोनो का मतलब होता है वन ठीक है लॉग का मतलब बेसिकली बातें तो अगर एक ही इंसान जो है वो बोले जा, है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोनोलाग ठीक है डायलॉग मतलब दो इंसानों के बीच में बातें मोनोलॉग मतलब एक इंसान के डायलॉग्स ठीक है नेक्स्ट वन हु लव्स बुक ठीक है एक ऐसा इंसान जिसको बुक्स बड़ी पसंद है अभी यार मुझे ये बताना आप में से आप लोगों को भी बुक्स का कलेक्शन करना और उनके बा उनको पढ़ना बहुत पसंद है कि नहीं ठीक है बट ऐसे इंसान जिनको बुक्स को कलेक्ट करना और बुक्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है उनको बोला क्या जाता है ऐसे लोगों के लिए भी एक स्पेसिफिक नेम है क्या उनको स्कॉलर कहा जाएगा नहीं स्कॉलर नहीं कहा जाता ठीक है स्कॉलर तो उसे कहा जाता है जिसे एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही गहरी डीप नॉलेज हो ठीक है डीप डाइवर वन टू थ्री ठीक है बट बिब्लोग्राफर जिस जिसने पीपीटी बनाई होगी बड़ा

का मतलब क्या होता है एक ऐसा इंसान हु एक्चुअली लव्स द बुक ठीक है तो आंसर विल बी बिब्लो फाइल तो जिन जिन लोगों को जो मेरे स्पेक्टेटर्स हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको उनमें से अगर किसी को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो वो अपने आप को बिबलो फाइल कह सकता है राइट चलिए नेक्स्ट वन हु हैज़ ऑप्सटनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा अड़ियल है ऑप्स्टरनेट का मतलब क्या होता है अडियल ठीक है तो ऑप्स्टनेट मतलब अड़ियल और नैरो मतलब क्या एक होता है नैरो सर्फिस लेवल और एक होता है डीप ठीक है तो नैरो मतलब क्या आप ऊपर ही ऊपर ऊपर तह रहे हो ठीक है आपके पास जो नॉलेज है वो सतह वाली है आपने सुनी सुनाई पर चल रहे हो ठीक है और डीप मतलब क्या आपके पास बहुत गहराई वाली नॉलेज है ठीक है तो एक ऐसा इंसान जो कि अडियल है और उसके बाद बहुत ही सरफेस लेवल की व्यू है उसके रिलीजन के लिए तो उस इंसान को हम क्या कहेंगे क्या हम उसे थियोजोफिस्ट कहेंगे क्या हम उसे बिगट कहेंगे क्या हमें फिल फिलोसफ़र कहेंगे या फिर थियोलॉजियन कहेंगे ठीक है अब इन दोनों को तो नहीं कहा जा सकता ठीक है थियोलॉजी एंड थियोलॉ थियोजॉफिस बेसिकली क्या होते हैं ये वो थियोजॉफिस मतलब एक ऐसा इंसान जिसको रिलीजन के ऊपर काफ़ी नॉलेज होती है ठीक है थियोलॉजी मतलब रिलीजन के ऊपर की नॉलेज ठीक है फिलोसोफर का मतलब जो कि आइडियाज़ वट इज़ रॉन्ग वट इज़ मॉरल वट इज़ इमोरल ऐसे आइडियाज़ पे जो विचार करता हो ठीक है बिगट का मतलब क्या होता है बिगट का मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अड़ियल और अड़ियल है और अपने व्यूज़ बदलने के लिए राजी ही नहीं है यार आप उसको कुछ भी बोल लो बट उसको अपने व्यूज़ पे ही है कि मैं तो इन्हीं पे अड़ा रहूँगा ठीक है और उसकी व्यू ऐसे भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डीप हो डीप मीनिंग वाले नहीं नैरो नैरो से ठीक है तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं बिगट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है द हेड मास्टर ब्रॉड बैक टू माइंड द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ द स्कूल ठीक है जो हेड मास्टर थे वो अपने दिमाग में वापस से उन मोमेंट्स को लेके आए जब उनके स्कूल्स ने आउट उनके स्कूल ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट करी थी ठीक है तो ऐसी चीज़ को इस याद करने को क्या कहा जाता है रिमेंबर कहा जाता है रिमाइंडेड कहा जाता है रिमिनिसेंसड कहा जाता है या फिर रिकॉल कहा जाता है ठीक है अब यार अगर आप में से कोई बिबलो फाइल होगा ना तो पहले फर्स्ट टू ऑप्शन को तो पहले किक आउट कर देगा ठीक है यार ये तो हो ही नहीं सकते क्यों क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सरफेस लेवल के याद करने की बात हो रही है ठीक है कोई बंदा बड़े शौक से याद नहीं कर रहा है उन मेमोरीज़ को बस याद कर रहा है तो रिमेंबर और रिमाइंडेड तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है ठीक है बट अगर आप बात करो रिमिनिसेंस के बारे में तो उसका मतलब होता है पास की बीती हुई बातों को याद करना ठीक है ठीक है रिमिनिसेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली टू रिमेंबर थिंग्स ठीक है पर मैं पेन कर लेती पहले टू तो, मतलब मतलब तो दोनों ही आंसर हो गए ना तो मैं कहूंगी नहीं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है ठीक है रिकॉल यहां पर याद करना होता है ठीक है पर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी यादों को ही याद कर रहे हैं रिकॉल के टाइम पर हो भी तो सकता है कि बुरी यादें आपके दिमाग में आ रही हूँ बट वेन यू रिमिनिसेंस ना यू आर एक्चुअली कॉलिंग बैक ऑल दोज मेमरी दैट यू आर रियली फॉन्ड ऑफ ठीक है तो अगर आपको अच्छी अच्छी मेमरी बात आप जानबूझ के याद करते हैं तो आप रिमिनिसेंस कर रहे हैं याद रखिएगा इसलिए आंसर क्या हो जाता है थर्ड ठीक है नेक्स्ट लैक ऑफ फीलिंग जिसको कोई फीलिंग ही नहीं है आपके लिए ठीक है उस उस चीज को क्या कहेंगे उस क्वालिटी को क्या कहेंगे एम्पथी कहेंगे अपैथी कहेंगे सिंपथी कहेंगे या फिर पिटी कहेंगे ठीक है अब देखो लोगों को ना एम्पथी और सिंपथी के बीच में बड़ा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है हो भी क्यों ना क्योंकि साफ साफ सिमलर सिमिलर ट्विन लग रहे हैं एक दूसरे के ठीक है तो इनको ट्विन सिस्टर्स ही मांग लो ठीक है ट्विन सिस्टर्स बट इनके बीच का डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको बताती हूँ एम्पथी एम्पथी को याद रखने के लिए अपने दिमाग में एक शू की पिक्चर बना लो ठीक है वेनेवर आप किसी और के शू में अपना पैर रख सको ठीक है अपना पैर रख सको तो आप उसके साथ एम्पथाइज़ करते हो इसका मतलब क्या आप उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हो ठीक है अगर वो बुरा फील कर रहा है अगर वो सैड फील कर रहा है तो आप भी सैड फील कर सकते हो और ये समझ सकते हो कि वो सैड क्यों फील कर रहा है तो दिस इज़ नोन एज एम्पथाइजिंग बींग एबल टू पुट योर फुट इन अदर शू ठीक है सिंपथी का मतलब हाँ ठीक है मैं आपके साथ सिंपथाइज करता हूँ मैं आपके साथ क्या ना मैं हमदर्दी रखता हूँ ठीक है ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी फीलिंग्स को समझ पाऊँ कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो बट ठीक है मैं आपके लिए बुरा बुरा फील कर रहा हूँ ठीक है पिटी का मतलब किसी के ऊपर दया करना ठीक है ओ पुअर बॉय पुअर फैला ठीक है मतलब क्या पुअर लैड मतलब पुअर लड़का ठीक है ये सब हो गया अपैथी का मतलब होता है भाई फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है कोई फीलिंग नहीं है आई एम नॉट एट ऑल इनक्लाइन टू फील पिटी फॉर यू नॉट एम्पथी नॉट सिंपथी नो फीलिंग्स तो आंसर विल बी अपैथी ठीक है एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून का मतलब गलती से ही बहुत अच्छा हो गया तो इसका क्या आंसर होगा सरेंडरपिटी गुड लक चांस और फिर फ्लूक ठीक है अब यार फिर से आ जाते हैं बिब्लो फाइल्स पर अगर आप बिब्लो फाइल होंगे या फिर अगर आपने कभी भी इन दोनों शब्दों को सेरेंडिपिटी और फ्लूक को या फिर गुड लक को या फिर चांस को कभी भी सुना होगा तो आपको पता होगा कि गुड लक और चांस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अगेन बहुत ही सर्फेस लेवल के शब्द है यार ऐसे तो एग्जामिनर सेटी नहीं करेगा ठीक है तो इन दोनों को तो आउट ऑफ क्वेश्चन कर दो एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून सबसे पहले समझते हैं सेरेंडिपिटी का मतलब ठीक है सेरेंडिपिटी का मतलब होता है अनसॉट मतलब आपने मांगा नहीं था ठीक है कि ऐसा हो जाए ओके okay, आपने मांगा नहीं था आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे बट आपके साथ अच्छा हो गया गुड हैपन विद यू ठीक है विद यू एंड इट हैपन टू बेनिफिट यू आपके बेनिफिट के लिए हो गया जैसे कि क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपको अंदर जाते ही ये याद आता है कि अरे यार, यार मैं पेंसिल भूल भूल गया ठीक है बट आपको अंदर जाते क्या दिखता है एक खाली डेस्क दिखता है जहाँ पर एक पेंसिल पड़ी होती है दिस इज सिरेंडिपिटी दिस इज सिरेंडिपिटी ठीक है तो आपने मांगा नहीं था कि आपको पेंसिल वाला भर, आ, मतलब पेंसिल के साथ एक खाली डेस्क मिल जाए बट आपको मिला ना और एग्जैक्टली इसकी नींद नीट थी आपको फ्लूक का मतलब क्या होता है फ्लूक का मतलब होता है अगेन एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून मतलब आपके साथ क्या हो गया एक बहुत ही अच्छा लकी लकी इंसिडेंट घटता है आपके साथ ठीक है बट जरूरी नहीं है ये वापस से हो जाए ठीक है इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी इट इज़ नॉट नेसेसरी इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि ये आपके साथ फिर से हो जाए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट गोल्स आर ऑलवेज फ्लूक ठीक है जो पहला गोल होता है ना पहला गोल मतलब अगर फुटबॉल की बात कर लूं तो वो हमेशा फ्लूक होता है तुक्के तो से भी लग सकता है ठीक है तो फ्लूक इज ऑल इज अबाउट कि आपके साथ अच्छा हो गया बट जरूरी नहीं है कि ऐसा फिर से आपके साथ हो जाए ठीक है तो पर यहां पर आंसर क्या होगा यहां पर आंसर एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून का जो आंसर है ना वो फ्लूक होगा ठीक है क्या होगा फ्लूक तो आंसर विल बी फ्लूक नेक्स्ट वन हु बिलीव एवरी थिंग और शी हियर्स अरे यार ये एक ऐसा इंसान है ना जिसको आप कुछ भी बोलोगे ना सुनी सुनाई बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है ठीक है एक एक इंसान होता है जिसको आप कुछ भी बोल लो मान लेगा उसको गलेबल कहा जाता है क्या कहा जाता है गलिबल ठीक है राइट और एक ऐसा इंसान जो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करता है उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है क्रेजुलस क्या बोला जाता है क्रेजुलस ठीक है एन अलाउंस मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर डिवोर्स हो गया आपने आप बहुत बार देखा होगा जो लोग टीवी सीरियल देखते हैं जो मूवीज देखते हैं कि डिवोर्स होने के बाद हस्बेंड्स को ना एक अमाउंट जो होता है वो एक अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो वाइफ्स को देना होता है ठीक है उस अमाउंट ऑफ मनी को क्या कहा जाता है एलिमोनी कहा जाता है पारसीमोनी कहा जाता है मैट्रीमोनी कहा जाता है या फिर ऑनरेरियम कहा जाता है ठीक है अब सबसे पहले ऑनरेरियम का मतलब समझते हैं ऑनर का मतलब होता है कि मान लीजिए कल को मैं आपको अपने कॉलेज में लेक्चर uh, देने आप कोई प्रोफेसर हैं और मैं आपको अपने यहाँ आप पर लेक्चर देने के लिए इनवाइट करती हूँ तो आप आउट ऑफ गुड विल आके वहाँ पर लेक्चर दे देते हो ठीक है आपने कोई ऐसा लीगली डिमांड नहीं कर दी कि मुझे इतने पैसे चाहिए इतने पैसे चाहिए कुछ भी नहीं बोला था आप आके दे, दे दे देते हो आप मेरे दोस्त हो राइट आप आए आपने लेक्चर दिया और मुझे लगा यार इतना इसने काम किया मैं इसको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तो मैं अपनी तरफ से जो आपको पैसे दूंगी ना आपके काम को एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए तो दैट विल बी नोन ऑनर एरियम आई एम नॉट लीगली बाइंडेड टू पे यू राइट बट स्टिल आईम गिविंग यू मनी ना तो दैट इज नोन एज ऑनर एरियम मैट्रीमोनी मैट्रीमोनी का मतलब तो सबको पता होगा यार शादी विवाह जो भी बोलना चाहो ठीक है द स्टेट ऑफ बींग मैरीड पारसी मोनी पारसी का मतलब अतहा कंजूस इंसान ठीक है माइजर अगर आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो कि यार कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए पर पैसे तो मैं खर्च नहीं करूँगा तो मतलब क्या आप पार्सिमोनी में विश्वास रखते हो ठीक है एलिमोनी एलिमोनी इज़ द आंसर ठीक है दैट इज़ द अमाउंट दैट यू आर लीगली बाइंडेड टू पे द वाइफ नॉट यू बट द पर्सन एक्चुअली इज गेटिंग डिवोर्स पोम ऑफ फोर्टीन लाइन अब ये मत बोलना कॉमेंट सेक्शन में आप पोँग, पोँग क्यों बोलते रहते हो दिस इज पोयम पोएम नहीं होता है पोम होता है ठीक है तो एक ऐसी पोम जो कि फोर्टीन लाइन्स की, की हो उसे क्या बोला जाता है बैलेट कहेंगे साल कहेंगे सोनेट कहेंगे या फिर कैरल कहेंगे बात कर लेते हैं कैरल से बात करते हैं कैरल बेसिकली सॉन्ग होता है क्रिश्चियन सॉन्ग दैट इज़ संग व्हेन द जीजस क्राइस्ट वॉज बॉर्न ठीक है मतलब ऐसे फेस्टिवल्स पे जब जीजस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है तो कैरल सिंग किया जाता है सोनेट का मतलब मतलब एक ऐसी पोएम जो कि फ़ोर्टीन लाइंस की होती है ठीक है सान का मतलब क्या होता है जिस तरह से कुरान में आ, कुरान में कुछ दो दो लाइन के दो ही होते हैं गीता में भी होते हैं ना उसी तरह उसी तरह से क्या होता है बाइबल में भी ऐसे ऐसे दो दो लाइन के कुछ ना कुछ थाट्स होते हैं उनको सान कहा जाता है ठीक है देन यू हैव बैलेड बैलेड इस क्या होता है एक ऐसी पोएम जो कोई स्टोरी बताती है मोस्टली लव स्टोरी उसे बैलेड कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है हमारा सोनेट नेक्स्ट द सेक्रेटरी प्रपोजल वॉज अडोप्टेड फुल अग्रीमेंट ऑफ ऑल द ठीक है सेक्रेटरी के प्रपोजल को adopt कर लिया गया सारे के सारे लोगों के अग्रीमेंट के साथ मतलब सबका अग्रीमेंट था उसमें ऐसे अग्रीमेंट को क्या कहा जाएगा सीधा बता देती हो अनईक्वी वोकली ठीक है सुनने में थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा इक्वी वोकली होना चाहिए पर नहीं इक्वली इक्वी वोकली का मतलब क्या होता है जब लोगों के बीच में अग्रीमेंट ना हो ठीक है एक फैसला आया है बट उस फैसले को के लग रहा है कि दो थॉट्स चले आ रहे हैं कुछ लोग ये चाहते हैं तो कुछ लोग वो चाहते हैं ठीक है तो उसको बोलते हैं इक्वी वोकली ठीक है अन वोकली मतलब किसी की ना मंजूरी नहीं थी सब लोग एक ही तरफ फैसला दे रहे थे मतलब सबके अग्रीमेंट के साथ ठीक है एम्बिशली मतलब बहुत कुछ करना चाहते थे उसके उस तौर पर इनने कुछ किया वेहमेंटली मतलब पैशनेटली ओके तो यहां पर आंसर क्या होगा अन याद रखना ये उल्टा है लगता है सुनने में यही इसकी पहचान है बट इसका मतलब क्या होता है सबके के अग्रीमेंट के साथ ठीक है नेक्स्ट दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकोगनाइज और रियल नेचर ऑफ समथिंग आप ना ये वाला क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखाओगे क्योंकि यार ये तो बहुत ईजी है मैं इसको आपको एक टॉपिक एक हिंट भी दे देती हूँ अगर आपको कमिलियन कमीलियन मतलब गिरगिट के बारे में कुछ पता तो आप ये इसको सॉल्व कर पाओगे ठीक है चलो कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट्स एंड प्रिस ठीक है एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता है कि डिप्लोमेटिकली कैसे बिहेव किया जाता है ठीक है क्या क्या बातें जिनकी ध्यान में रखना चाहिए उस इंसान को क्या उसकी क्वालिटी को क्या बोलेंगे फॉर्मेलिटी स्टेट्समैनशिप प्रोटोकॉल हर की दैट विल बी नोन एज स्टेट्समैनशिप ठीक है द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स ठीक है इसको पता है यार कैसे पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल किया जाता है इसी चीज़ को तो स्टेट्समैनशिप कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हर सेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री एक ऐसा बंदा जिसको आप किसी भी कंट्री में छोड़ दो वहाँ पर अपने लोगों को मतलब वहाँ के लोगों को अपना बना ही लेगा वहाँ पर अपने घर जैसा फील करने ही लगेगा ठीक है अफ्रीका छोड़ दो अफ्रीकन बन जाएगा यूरोप में छोड़ दो यूरोपियन बन जाएगा कोरिया में छोड़ दो कोरियन बन जाएगा ठीक है और तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है कॉस्मोक्रैट कॉस्मेसिस कॉस्मेटिशियन कॉस्मोपोलिटन

बॉडीली um, डिसफिगरमेंट को करेक्ट करता है मतलब आप अगर प्लास्टिक सर्जरी करवाने में बिलीफ रखते हैं ठीक है जो प्लास्टिक सर्जरी करेंगे वो आपकी uh, किसी भी डिसफिगरमेंट को अच्छा कर रहे हैं ब्यूटिफाई कर रहे हैं तो उनको कॉस्मेसिस कहा जाएगा उस प्रोसीजर को कॉस्मेसिस कहा जाएगा कॉस्मेटिशियंस हुए एक्चुअली गिव्यू एडवाइस अबाउट कॉस्मेटिक्स राइट जो कि कॉस्मेटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डायवर्सिटी है यार कहीं पर भी छोड़ दो इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है ना इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है थिक कि अपने आप को कहीं पर भी सस्टेन करवा लेगा सर्वाइव करवा लेगा ठीक है इसे बोलते हैं हम कॉस्मोपोलिटन तो आंसर विल भी कॉस्मोपोलिटन बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ये अगर पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो ये तो आपके लिए रिविजन होगा राइट बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है सडन कलामिटी राइट एकदम से कोई हानि आ जाना एकदम से कोई मुसीबत आ जाना बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बिडोइन अरब्स ठीक है अरब मतलब अरेबियन कंट्रीज़ में यानी कि आपके जितनी भी ये सहारन डिजर्ट्स हैं वहाँ पर जो नोमैडिक ट्राइब रहती है अरे मैंने आंसर ही बोल दिया यार क्या बात है ठीक है चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एक ऐसी ट्राइब जो बंजारा है ठीक है बंजारे लोग जो कि अरब में रहते हैं उनको बिडोइंस कहा जाता है जोग्राफ़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है क्योंकि कभी पूछ देते हैं कि यहाँ की ट्राइब्स को क्या कहा जाता है तो बिडोइन ट्राइब्स होती है जिनका कोई फिक्स अबार्ड नहीं होता अबॉर्ड करने का अबॉर्ड का मतलब क्या होता है अबार्ड का मतलब होता है घर ठीक है जिनका कोई फिक्स घर नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम कहते हैं ठीक है बार्बेरियन नहीं कहते बार्बेरियन का मतलब क्या जो कि जंगली होता है कौन होता है जंगली ठीक है वैगाबॉन्ड वैगा बॉन्ड का मतलब क्या होता है आवारा आवारा हूं ठीक है इसे बोलते हैं हम वैगाबॉन्ड ठीक है ट्रैवलर ट्रैवलर मतलब क्या है जिसको घूमना पसंद है राइट एनिमल यंग ऐसे एनिमल जो अपने यंग वंस को फीड करवाते हैं मतलब खुद ही फीड करवाते हैं दूध पिलाते हैं उनको क्या बोला जाता है हर्बीवोर मैमल कार्निवर ओमनी वोर सबको पता होगा इसका आंसर इसको तो मैमल कहेंगे ना वी फीड आर यंग वंस राइट नेक्स्ट द ड्रग और अदर सब्सटेंट दैट इंड्यूस स्लीप ऐसे ड्रग्स जो आपको नींद में लेके आ जाते हैं मतलब सोने पे मजबूर कर देंगे उनको क्या बोलते हैं रिवाइवर स्टिमुलेंट एनर्जी एनर्जिक या फिर सिडेटिव ठीक है देखो स्टिमुलेंट तो वो ड्रग्स होती है जो कि आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए यूज़ की जाती है तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो एथलीट एथलीट्स होते हैं वो डोपिंग के टेस्ट में जो होते हैं फेल हो जाते हैं ठीक है डोपिंग करते हैं वो राइट डोपिंग करने का मतलब उनने क्या किया उनने कोई स्टिमुलेंट ले लिया था जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इन्हांस हो गई राइट तो मतलब परफॉर्मेंस एनहेंसर को ये आपको नींद तो नहीं लेके आएगा तो ये तो नहीं हो सकता रिवाइवर मतलब क्या रिवाइवर का मतलब फिर से अच्छी कंडीशन में लेके आ जाना एनर्जिक मतलब जो एनर्जी दे दे सिडेट करना मतलब क्या जो नींद में लेके आ जाए ठीक है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज का मतलब क्या अगर फिर से मेरी वीडियो देखी होगी तो पता होगा इसका आंसर क्या होगा एंड sword of democles एक idiom है ठीक है और इस idiom का मतलब होता है एक इमिनेंटDanger यानी आने वाला danger जो कि आने ही वाला है आपके सर पे लटक रहा है राइट अ फैकटिशियस नेम स्पेशली वन अस्यूम बाय द ऑथर ठीक है ऑथर्स यूजुअली पहले क्या होता था या फिर कभी-कभार अभी भी अपने रियल नाम के साथ अपनी बुक्स को नहीं लिखते कोई दूसरा नाम अज्यूम कर लेते हैं उस नेम को क्या बोला जाता है निक नेम सूडो नेम सॉब्रिकेट या फिर पेट नेम दैट इज़ नेम नोन एज सूडो नेम ठीक है क्या क्या बोलते हैं उनको सूडो नेम ठीक है नेक्स्ट वाइड स्प्रेड स्कार सिटी ऑफ फूड जब बहुत ही बड़े पैमाने पर खाने की कमी हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा हंगर बोला जाएगा ड्राउट बोला जाएगा पॉवर्टी बोला जाएगा या फिर फैमिन बोला जाएगा उसे हंगर नहीं बोलते मेरे दोस्त उसे फैमिन बोलते हैं ठीक है हंगर छोटा छोटा भाई है किसका फैमिन का ठीक है बड़े लेवल पर भुखमरी होगी तो उसको फैमिन बोला जाएगा रिमेंबर फैमिन ऑफ बंगाल सेवनटीन सेवेंटी थ्री कितना बड़ा था नियरली टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन डाइड बिकॉज ऑफ दिस फैमिन ठीक है इन्फ्लमेशन ऑफ गम्स ठीक है अगर आपके मसूड़े इन्फ्लेम हो जाए फूल जाएँ स्वोलन हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है गैंग्रीन जिंजिवाइटिस कंजेंटिवाइटस या फिर ऑर्किडस ठीक है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं गैंग्रीन की बात करते हैं अगर किसी इंसान को गैंग्रीन होता है तो उसकी टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है ठीक है उसकी टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है इसकी पहचान क्या है आपकी जो स्किन होगी वो रेड से ब्लैक हो जाएगी जेड ब्लैक हो जाएगी ठीक है जेड ब्लैक ठीक है पूरा देखने में ब्लैक ब्लैक लगता है तो इसको बोलते हैं गैंग्रीन जिंजीवाइटस क्या होता है जिंजीवाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स ठीक है ये क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स तो आंसर तो आपका जिंजीवाइटिस हो गया ठीक है कंजंक्टिवाइटस क्या होता है जब हमारी इन्फ्लेन ऑफ आईज़ हो जाए ना आईज़ तो उसको कंजंक्टिवाइटस कहते हैं ऑर्किटस क्या होता है इंफ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स ठीक है टेस्टिकल्स के इन्फ्लेमेशन को हम ऑर्किटस कहते हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट बियॉन्ड करेक्शन एक ऐसा इंसान जिसको करेक्शन किया ही नहीं जा सकता बदला ही नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं इनवर्टरेट ग्लिब इन या फिर इनकॉन्ग्रुएस ऐसे इंसान को हम इनकॉरिजिबल कहते हैं इस शब्द को देख के पता कर लो यार इनकॉरिजिबल कॉरेज मतलब क्या करेक्ट और इन मतलब क्या नहीं उसे नहीं करेक्ट किया जा सकता इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा इनकॉरेजबल ठीक है यहाँ पर ये यह पच्चीस क्वेश्चन खत्म होते हैं आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड इसे शेयर भी कर देना ठीक है इट रियली गिव्स अस अप्रिसिएशन टू मेक मोर सच वीडियोज राइट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल द बेस्ट फॉर योर सी ई टी एंड जामिया प्रिपरेशन बाय बाय